लिखा था इसमें 5 यूरो और लेकिन उन्होंने लिया 7 यूरो। मैंने पूछा भाई किस खुशी में 7 यूरो ले रहे हो, उन्होंने बोला कि जो ग्लास है इसका 2 यूरो फालतू लगता है। तो मैंने बोला भाई अब ग्लास के बिना तो बंदा पी नहीं सकता, ये क्या लॉजिक है। तो उन्होंने समझाया भाई ऐसा नहीं है, अगर आप हमें ग्लास लौटाओगे तो हम आपको जो 2 यूरो है रिइंबर्स कर देंगे। तो मैं कहा ये सही स्कीम है, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर अभी कैफ़े का मज़ा लेते हैं क्योंकि हल्का हल्की धूप निकलने वाली है और यहाँ से हमें RERD ट्रेन लेनी है जो कि डायरेक्ट हमें पहुँचाएगी हमारे डेस्टिनेशन पे। और स्टेडियम काफ़ी ग्रैंड आप देख सकते हैं और आपका भाई भी काफ़ी ग्रैंड, वो भी आप देख सकते हैं, स्पॉट लगा ना आपका भाई है ना। तो एनीवेज हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज है हमारा पहला और आखिरी दिन इनफैक्ट जो कि मेरे को पास मिला है, फ्री पास स्टेडियम में जाके देखने का। जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में दिखाया मेरे को जाना है स्टाद दे फ्रांस में, स्टेडियम ऑफ फ्रांस जिसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। टाइम था एक्चुअली 10 बजे और मैं थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा क्या मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हो गया। और मेरा गेट नंबर है G, तो अभी ट्रेन जा रही है पीछे से क्योंकि ट्रेन भी थोड़ी लेट थी। सारी गलती मेरी नहीं है, आपके भाई भी हमेशा लेट नहीं होता, कभी कभी थोड़ी गलती ट्रांसपोर्ट की भी होती है। और वैसे भी हमारे पुराने देसी लोगों की आदत कुछ भी हो अपनी जिम्मेदारी तो लेनी है नहीं है, दूसरे पर थोप देनी है, बट इस केस में जेन्युइनली भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं लेट था माना, लेकिन बीच में ट्रेन भी काफ़ी लेट हो गई थी। तो चलते हैं हम स्टार्ट द फोन स्विम और पता नहीं कौन कौन से गेम्स हैं। और मज़े की बात यह है कि मेरी आज 2-2.5 बजे के बाद फिर से ड्यूटी भी है, तो 10:30 से ऑलमोस्ट मैं 1:30 बजे तक देखूँगा, 3 घंटे उसके बाद अपनी ड्यूटी पर जाएंगे। और ये है इसकी एंट्री पॉइंट, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि आज पहला दिन है गेम्स का, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं अभी देखने को, थोड़ी टेंशन जाएंगे। तो एक समझदारी वाली चीज़ दोस्तों ये कि मैंने, इनफैक्ट मैंने नहीं मेरी बहन ने किया, उसने क्या छाता निकाल के दे दिया, तो अभी देखो छाता की वजह से हम बचे पड़े हैं, नहीं तो मैं भी इन आगे जो हमारे तरह महान हस्ती डेढ़ छाने घूम रहे हैं बगैर छाता के, मैं भी आज इसी तरह भीग भीग के जा रहा था। और आज बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, पता नहीं भाई ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी में भी ऐसी था, बहुत अच्छी बारिश थी उस टाइम, छाता भूल गया था, बट आज फिर से बारिश है। अब बेचारे एथलीट्स को का सोच कर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, उनको बारिश में परफॉर्म करना पड़ेगा, बट जिंदगी ऐसी है। आजकल इंडिया का भी काफ़ी मैच है, मेरे को शेड्यूल मिला है, मैं देखूँगा अगर इंडिया का जिस तरह से मिलता है, पर चक्कर ये है जो कैमरा है वो हमेशा एक ही जगह फोकस नहीं करता, बार बार जगह दिखाता रहता है। और ये बड़ा काफ़ी कैफे रेस्टोरेंट, हाँ तो हमें ओके। तो ये हमारा अपर स्टैंड G4 से एंटर करना है और ये है स्टेडियम के अंदर और यहाँ से एंटर करे थे। और अभी आपको शायद तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही होगी क्योंकि गेम्स अभी चल रहे हैं। अब मेरे को ढूंढना है G4 स्टैंड 72 सीट नंबर 30, और भाई साहब बहुत कुछ देना पड़ता है, बट मुझे उम्मीद है कि अभी तो स्टेडियम ज़्यादा भरा नहीं होगा तो हम कहीं भी बैठ सकते हैं, बट देखते हैं बारिश के कारण क्या होता है, शायद ज़्यादा लोग ना आए, बट यू नेवर नो। तो दोस्तों एज यूजुअल काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली हमें मिल गया अपना पोर्ट, एक्चुअली ये Z है, मेरे को जाना है Y, पर Z खुला था तो मैं Z से घुस के Y में घुस जाऊँगा और क्या करूँ। तो अभी जाते हैं, ये है स्टार्ट द फोन्स और यहाँ है मीडिया सेटअप। तो ये खाली सा स्टेडियम में हम पहुँच गए सबसे जल्दी, ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले आगे, और थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता है जल्दी आने का, आपको मिलते नहीं है कि आपको कहाँ घुसते हैं। तो वहाँ पर आई थिंक शायद कोने में काफ़ी वॉलंटियर्स बैठे हैं, तो सोच रहा हूँ उनके पास ही चले जाऊँ क्योंकि मेरे को तो वैसे तो दिख नहीं रहे क्योंकि Y लिखा है और Y के साथ मतलब वाकई में कोई नहीं, Y C और R है, तो मैं ढूंढ ढूंढ के आगे जाता हूँ। तो 3 गेट्स का डायलॉग याद आता है कि अगर क्लासरूम पता नहीं कौन से क्लासरूम में बैठना है तो किसी भी क्लासरूम को पकड़ के बैठ जाओ, तो कुछ ऐसा ही किया मैंने भी, मुझे पता नहीं कहाँ मुझे बैठना है लेकिन थोड़े लोग दिखाई दे आसपास तो मैं उनके साथ आके बैठ गया। अब जो होगा देखी जाएगी भाई, और क्या बाहर थोड़ी पकाएंगे। तो ये है कुछ स्टाद दे फ्रांस स्टेडियम का कुछ नज़ारा, यहाँ पे ही उम्मीद है इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, तो यहीं पे भी गेम्स होंगे, तो वेट सी। तो इन द मीन टाइम लोगों के साथ इंटरव्यू भी चल रहे हैं, ऑफकोर्स मुझे इतनी अच्छी बात हाँ बोलनी आती नहीं, नहीं तो सबसे पहले आपका भाई भागता कि अरे इंटरव्यू लो अपने को। तो ये बहुत सारे, हालांकि ओलंपिक से कम लोग हैं बट हैं काफ़ी, और अभी धीरे धीरे सबसे मिलते हैं, अपने इंट्रोडक्शन कराते हैं, हम बोलते हैं जी हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, अरे देवी जी उनका इंटरव्यू लेते हुए। तो अभी हम निकल चुके हैं स्टेडियम से बाहर सड़क एक्सप्लोर करने, सड़क नहीं इनफैक्ट स्टेडियम को ही एक्सप्लोर करने, और हमें देखना है
कहा, लेकिन ब्लू डार्क ब्लू टीम है हमारी टीम, हमारा आईडी कार्ड के हिसाब से है जो है। तो ये है, ये होगा हमारा डाइनिंग रूम, थोड़ा छोटा है बट ठीक है चलता है। और ये वाला आउटसाइड स्टाफ का डाइनिंग, और जो जहाँ पे यूनिफॉर्म था देखा था वो हमारे स्टाफ का डाइनिंग। और ये हमारी टीम जा रही है, आज पहला दिन है तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, कैसे कैसे नहीं है, कौन सी जगह कहाँ पे है वगैरह वगैरह। तो यहाँ से हम फाइनली एंट्री लेंगे स्टेडियम के अंदर, जहाँ ऑफिशियल टीम मेट्स भी होंगे और भी बहुत कुछ है। तो अंदर जाके एक्सप्लोर करके देखते हैं हम लोग क्या क्या है, और हमारी टीम और ये आपका कमेंटेटर है यानी मैं। तो यहाँ पे काफ़ी देशों का फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग बहुत दिख रहा शायद, ये हो जूम करके देखते हैं, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे नहीं दिख रहा, अगर आपको दिख रहा है तो बताना कौन से टाइम फ्रेम पे है। इसराइल का दिख गया, नहीं, पता नहीं कहाँ रखा होगा बट है कहीं ना कहीं तो है, इतना पता है। तो अभी हम चक्कर काट रहे हैं स्टेड फ्रांस का, मेरे पीछे है स्टेडियम और अभी टीम हमें गाइड कर रही है कौन सा एरिया कहाँ पे है और कैसे कैसे एंटर करना है, कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है ड्यूटीज़ पे वगैरह वगैरह, वही डेली फॉर्मेलिटीज़। बट हर जगह का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है और हर जगह अलग चैलेंज होता है। तो बढ़िया है, हम लोग घूम रहे हैं। अभी हमारे ओलंपिक्स के डायरेक्टर साहब आए थे टोनी, इसका डोट वो आए थे, उन्होंने सबका थैंक यू बोला। एंड एक अच्छा लगता है कि कोई सीनियर बंदा भी आके यार आपको, मतलब आपको आपके लिए स्पेशली टाइम निकाल के, आप लोगों के लिए स्पेशली टाइम निकाल के आपको थैंक करता है। तो हम लोग चक्कर काटा, काफ़ी बड़ा है ये स्टैंड फॉन्स स्टेडियम, स्टैड फॉन्स मतलब स्टेडियम ऑफ फॉन्स, यहाँ पे एक्चुअली फुटबॉल स्टेडियम है बट अभी इसको कन्वर्ट कर रखा है ओलंपिक्स इवेंट्स के लिए। तो ये रास्ता शायद आप में से किसी जगह क्लोजिंग सेरेमनी देखी हो तो यही वही एग्जिट पॉइंट है जहाँ से टॉम क्रूज साहब बाइक चला के शहर में निकले थे। तो अभी तो उसके बगल में ही है हमारा डिपार्टमेंट भी, डिपार्टमेंट का क्या नाम है वो बता नहीं सकता कॉन्फिडेंशियलिटी के चक्कर में, बाकी जब ओलंपिक्स खत्म हो जाएगा तब आपको सब बता दिया जाएगा। यहाँ से आए थे टॉम क्रूज भाई साहब बाइक चलाते और सीधा यहाँ से एग्जिट मारता है, टर्न ओवर है यहाँ से जी जू करके टर्न करके गए थे और फिर सीधा पेरिस के बाहर पहुँच गए थे। तो हम भी एग्जैक्टली शहर बाहर तो नहीं जा रहे हैं लेकिन हमारा जो ऑफिस है तो कुछ उसके बगल में ही है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट का कुछ मेंटेनेंस चल रहा है और ऊपर से लिफ्ट पे इतने सारे लोग जा भी नहीं सकते, तो हम सोचा थोड़ा सीनिक रूट टूरिस्ट रूट लेके हम लोग जाएं अपने ऑफिस की तरफ, ताकि एथलीट्स को कहाँ लेके जाना है हम यहाँ से डिसाइड करें। दोस्तों फाइनली बारिश तो खत्म हो गई है और मेरा ड्यूटी टाइम भी चालू होने वाला है, तो ठंडी हवा बहुत तेज चल रही है और मैं हाफ स्लीव में हूँ, मुझे लग रहा है मैं मोस्ट प्रोबेबली जल्द बीमार पड़ने वाला हूँ क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है मैं कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी कर लेता हूँ और फिर बीमार करता हूँ, फिर दो तीन दिन खांसता रहता हूँ। तो अभी भी ये चल रहा है लेकिन मेरा ड्यूटी का टाइम जैसे बताया मैंने चालू हो गया, तो 2 बजे मुझे जाना है दूसरी जगह। तो उससे पहले मैं बताता हूँ नीचे उतर के क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, क्या क्या होने वाली है और ऑल इन ऑल क्या एक्सपीरियंस था। नीचे आ चुका फाइनली और यहाँ पे जो मैंने गेम सीखी, एक तो जैवलिन थी, 4400 मीटर था, 100 मीटर रेस था, फिर व्हील चेयर था और व्हील चेयर रेसिंग थी, 5000 मीटर रेस थी, फिर हाई जंप था, शॉर्ट पुट था, डिस्कस थ्रो था और 2-3 और है गेम जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं जिनका मुझे नाम पता नहीं है। बट ऑल इन ऑल यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक यू बोला जाऊँगा ओलंपिक्स कमेटी को कि इन्होंने हमें भी कंसिडर किया कि भाई आके देख लो मैच, मतलब ओलंपिक्स वाले तो एकदम वगैरह निकले बट खैर कोई बात नहीं है, जो है जैसा है खुश है उस पर। तो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं होगी लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 75% स्टेडियम फिल था। हो सकता है इवनिंग स्लॉट में ज़्यादा लोग आए क्योंकि इवनिंग में भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। एंड मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी, मैं बाहर निकल के बात करता हूँ, हाँ एक चीज़ बड़ी अजीब लगी वो है भाई यहाँ पे कुछ गरम गरम पीने को नहीं है, मतलब जो भी है कोका है
ठंडी बियर मिलेगी, कोका मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा, लेकिन गर्म आपको कुछ नहीं। और इस बारिश के मौके पे मेरा तो कसम से मन कर रहा है कि भाई थोड़ा अच्छा सा कुछ पकौड़े शकड़े मिल जाए वो तो खैर ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना तो नहीं मिलने वाला, बट एटलीस्ट गर्मा गर्म कॉफ़ी वॉफ़ी तो मिल जाए। ये तो आप बाहर से ही मैं देखता हूँ, बाहर जाके ही कुछ ना कुछ खाता हूँ। तो अभी जाना ट्रेन स्टेशन RERD और वहाँ से जाता हूँ अपनी जगह। थोड़ा चलना पड़ेगा बट चलते हैं, कोई नहीं। और ये सामने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं हमारे पीछे पीछे, जो कि उम्मीद है कुछ टाइम बाद सारे भर जाएंगे,